तो राजनीति की दुनिया में घोषणाओं, संकल्पों और वादों में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी नोटों में होती है। अब हम भारत की राजनीति, वोट और नोट, इन तीनों के अटूट रिश्ते का टेस्ट करेंगे। लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले आयकर विभाग ने देश में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। इस दौरान 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई। खासतौर पर मध्य प्रदेश में आयकर विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग की कार्रवाई ने पूरे देश को हैरान कर रख दिया है, क्योंकि जिन लोगों के पास से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं। आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और उनके एक और करीबी अश्विनी शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स विभाग का यह ऑपरेशन इतना गुप्त रखा गया था कि इसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार को भी कोई खबर नहीं थी। छापेमारी के दौरान इतने नोट मिले कि उन्हें गिनने के लिए मशीन लाई गई। एमपी में हुई इस कार्रवाई में 14 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। इन छापों के बाद बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरे पर ही आरोप लगा रही हैं। लेकिन सच यही है कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। ये काली रकम सिर्फ मध्य प्रदेश में मिल रही हो ऐसा भी नहीं है। चुनाव आयोग ने 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। इसके बाद चुनाव को प्रभावित करने के लिए गतिविधियां बढ़ने लगी। देश भर में चुनाव के दौरान नकदी पैसा बांटने और अवैध रूप से शराब सप्लाई करने का इंतजाम भी होने लगा है। 10 मार्च से 1 अप्रैल के बीच पूरे देश में 399 करोड़ रुपए कैश, 162 करोड़ की शराब और 708 करोड़ रुपए के ड्रग्स अब तक बरामद हो चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान 299 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था, लेकिन इस बार इससे ज्यादा रकम चुनाव शुरू होने से पहले ही बरामद हो चुकी है। सिर्फ गुजरात में इस दौरान कम से कम 3 करोड़ रुपए कैश और 500 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए हैं। तमिलनाडु में 127 करोड़ रुपए का सामान अब तक बरामद हो चुका है। आंध्रा में 158 करोड़, वहीं उत्तर प्रदेश में 135 करोड़ रुपए, पंजाब में 114 करोड़ रुपए कैश और अवैध शराब बरामद हो चुकी है। तो देश भर में इस वक्त आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि राजस्व और सूचना निदेशालय की नजर चुनाव प्रचार पर बनी हुई है। ये तीनों एजेंसियां इस वक्त नेताओं और उनकी रैलियों का हिसाब किताब देख रही हैं। चुनाव में पैसे का बड़ा खेल होता है। पैसे के दम पर रैलियों में भीड़ जुटाई जाती है, पैसे के दम पर पार्टियों का प्रचार किया जाता है। चुनाव में नेता नोटों वाले बाहुबल से यानी नोट बांटकर वोट खरीदने वाली तरकीब आजमाते हैं। सीएमएस यानी के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के मुताबिक 16वीं लोकसभा यानी कि 2014 में जब आम चुनाव हुए थे तब गैर आधिकारिक रूप से 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि आधिकारिक तौर पर सिर्फ 7 से 8 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब यहां पर सवाल यह है कि बाकी के 27,000 करोड़ आखिर आए कहां से? जाहिर है ये काला धन था जो उम्मीदवारों और पार्टियों ने चुनाव लड़ने पर खर्च किया था। सीएमएस की ही एक स्टडी बताती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इसीलिए चुनाव आयोग के लिए अब ये सबसे बड़ी चुनौती हो गई है कि वो इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करने वाले नेताओं और पार्टियों पर आखिर कार्रवाई कैसे करें। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बेहद जरूरी है, और ये तभी मुमकिन है जब उम्मीदवार और उनकी पार्टियां नोटों के दम पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और काम के दम पर चुनाव लड़े। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए 70 लाख से ज्यादा की रकम खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन कड़वा सच यहां पर यह है कि कोई इस नियम का पालन नहीं करता। तय सीमा से 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें से ज्यादातर पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। ये रकम एक बहुत बड़ी रकम है। हमें लगता है कि इस रकम को चुनाव की व्यवस्था और प्रचार की बजाय लोकतंत्र को मजबूत करने और जनहित की योजनाएं बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था। इस रकम से किसानों का, गरीबों का उत्थान करना चाहिए था। यहां पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत में चुनाव पर होने वाले खर्च की सबसे बड़ी वजह रैलियां हैं। भारत में चुनाव प्रचार का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी रैलियां होना। ये रैलियां और इनमें जुटने वाली जो भीड़ है उसके हिसाब से ही तमाम उम्मीदवारों और पार्टियों की जीत का अंदाजा लगाया जाता है कि वो हारेंगी या फिर जीतेंगी। रैली की भीड़ को जीत और हार का मानक माना जाता है। जितनी बड़ी रैली होती है उतना ही ज्यादा खर्च होता है। नेताओं के लिए भव्य मंच तैयार किए जाते हैं, कहीं लोगों को धूप से बचाने के लिए पंडाल लगते हैं तो कहीं पर भीड़ को बुलाने के लिए बसों का इंतजाम होता है। रैली की विशालता से ही नेता के कद का अंदाजा लगाया जाता है, और इसके लिए बजट लाखों में नहीं करोड़ों में होता है। नेताओं के लिए ये रैलियां किसी टॉनिक से कम नहीं होती है। रैली में मजमा लगाकर वो देश के सामने अपना बायो डेटा पेश करते हैं, यानी कि हमारे नेता रैलियों से ही अपने पक्ष में हवा बना लेते हैं। लेकिन भीड़ धोखा भी देती है। रैली में आए लोग वोट में तब्दील होंगे या फिर नहीं होंगे, इसे लेकर आज भी नेता सहमे हुए रहते हैं। कोई भी पूरे भरोसे से कुछ नहीं कह सकता। अब भारत में चुनाव को लेकर एक सच जिसे जानकर आप हैरान ही नहीं बल्कि अफसोस भी जताएंगे, वो हम आपको बताते हैं।
भारत में होने वाला इस बार लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होगा। खर्च के मोर्चे पर हम अमेरिका को पीछे छोड़ने वाले हैं। 2016 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में 45,000 करोड़ खर्च हुए थे। इस बार भारत में नई सरकार चुनने की प्रक्रिया पर 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का ही अनुमान है। इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से बेहद अलग है क्योंकि इस बार नेता सिर्फ रैलियों पर निर्भर नहीं, सोशल मीडिया के जमाने में चुनाव प्रचार ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पर हो रहा है। लेकिन अब भी रैलियों का महत्व कम नहीं हुआ। हर नेता रैलियों को ही जनसंपर्क का सबसे बड़ा माध्यम मानता है। हर बार लोकसभा चुनावों में हजारों रैलियां होती हैं, इस बार भी ऐसा ही होगा। भारत के नेताओं का रैलियों से जो प्रेम है वो कम नहीं हो रहा। हालांकि विदेशों में चुनाव प्रचार के लिए रैलियों का आयोजन बहुत सीमित हो चुका है। इस बीच फेसबुक पर चुनावी प्रचार से जुड़े हुए नए आंकड़े भी आ चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार करीब 5,500 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जाएंगे। फेसबुक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इस साल फरवरी और मार्च के महीने में उसे करीब 52,000 राजनीतिक विज्ञापन मिले हैं। इनके लिए पार्टियों ने 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च किया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ से आया है। फेसबुक के मुताबिक बीजेपी ने 1100 विज्ञापन दिए हैं जबकि कांग्रेस पार्टी ने 410 विज्ञापन दिए हैं। फरवरी और मार्च के महीने में इन विज्ञापनों पर बीजेपी ने 36 लाख रुपए खर्च कर दिए जबकि कांग्रेस ने करीब 6 लाख रुपए खर्च किए हैं अब तक। चलिए